जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा। शुक्र कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन, कब? 31 मार्च 2024 को। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, आइए इस पर चर्चा करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हर एक चीज की जानकारी आप तक पहुंचे, आप उसको जान पाए, सावधान रह पाए और जीवन में आगे बढ़ पाए। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, यदि भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन आप करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर लाइव, बिफोर लाइव आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात करना होगा। मेष राशि के लिए जो परिवर्तन रहेगा, शुक्र का की मीन राशि में एग्जॉल्टेड होंगे, 7th और 2nd हाउस के स्वामी 12th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। देखिए भाई, विलासिता पर, भोग विलास पर पैसा खर्च हो ऐसा दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ऐसा नजर आ रहा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, भोग विलास पर पैसा खर्च करने से आपको बचना है, थोड़ा सावधान रहना है, नहीं तो बेकार का खर्चा हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, अन्यथा शुक्र और परेशान नहीं करेंगे आपको और आपके लिए बेहतर है। नींद इत्यादि अच्छी लेकर के आएंगे लेकिन काम शक्ति को बहुत बढ़ा देंगे और उसके चक्कर में गलत डिसीजन लें, प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा है, तो वहां थोड़ा सावधान रहिए। वृष राशि के लिए परिवर्तन बहुत शानदार है, किसी प्रेम संबंध के बनने का योग है, लेकिन मन में बहुत काम शक्ति तो उत्पन्न होगी भाई। संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त होगा, शेयर मार्केट से बड़ा सुंदर लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, तो वृष राशि के लिए शुक्र का परिवर्तन शानदार रहेगा, बस थोड़ा अपने मन पर काबू करके आपको रखने की जरूरत है। मिथुन राशि के लिए क्या परिवर्तन होगा, मिथुन राशि के लिए 10th हाउस में जाएंगे, कार्य क्षेत्र में बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपका, नए कार्य की योजनाएं बनेंगी, नए लोगों से संबंध अच्छे बनेंगे, स्पेशली जो लोग वस्त्र इत्यादि का व्यवसाय कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा, नई नई चीजें कार्य क्षेत्र में होंगी, फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि के लोगों को बड़ी सफलता प्राप्त होगी, तो मिथुन के लिए भी ये परिवर्तन अच्छा रहेगा। कर्क के लिए जब परिवर्तन की बात करते हैं तो कर्क के लिए, क्योंकि चतुर्थेश हैं और लाभेश हैं, 11th, 9th हाउस में गोचर करेंगे, शेयर मार्केट से बड़ा फायदा होगा, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि जो लोग खेलते हैं उनके लिए बड़ा फायदा होगा, तो शेयर मार्केट आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला है, प्रॉपर्टी प्राप्त होने वाली है, वाहन प्राप्त होने वाला है, सो ये जो कंडीशन रहेगी प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित जो चीजें हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट आपके लिए रहेगा, ये एक अच्छा रिजल्ट है। सिंह राशि के लिए अगर आपसे हम बात करते हैं तो सिंह के लिए भी ये परिवर्तन बेहतरीन रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी खैर एग्जॉल्टेड होंगे, बट ध्यान रखना होगा, अगर जिंदगी में आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं कि लाइफ दोबारा शुरू हो ही नहीं हो सकती है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं, तो प्रोफेशनल लाइफ को दोबारा शुरू कराने के लिए शुक्र आ रहे हैं, जीरो से दोबारा उठाने के लिए शुक्र आ रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कराने के लिए आ रहे हैं, धक्का लगाने के लिए आ रहे हैं, गाड़ी आपकी चला देंगे, बस आगे बढ़ाना आपका काम है। कन्या राशि के लिए जब बात करते हैं, 7th हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे, राहु के साथ जाएंगे, 2nd हाउस के स्वामी होकर के शेयर मार्केट से बड़ा शानदार लाभ, आर्थिक वृद्धि, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन, जीवन साथी की प्राप्ति, रूठे हुए मित्रों का जीवन में आगमन होगा और जो रिश्ता बिल्कुल टूटने की कागार पे पहुंच चुका है उस रिश्ते के दोबारा से जुड़ने के संयोग बनेंगे, पर काम वासना बहुत बढ़ेगी, उस पर प्लीज थोड़ा कंट्रोल रखिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो। बात करेंगे तुला राशि को लेकर के, जहां पर शुक्र जाएंगे 6th हाउस में, साहब यहां थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में दिक्कत उत्पन्न हो इस प्रकार की परिस्थिति, एक और चीज बता रहा हूं, राहु के साथ हैं, अगर काम शक्ति पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो कोई अजीब बीमारी पैदा कर दें और वो बीमारी बहुत गलत जगह से आई होगी, इसको ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रहे, तो बड़ा सावधान रहिएगा अपने आप को लेकर के, अपने कामनाओं पर, काम पर स्पेशली कंट्रोल करके रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। शुगर लेवल आपका बढ़ने वाला है तो शुगर लेवल पर खास ध्यान दीजिएगा, मोटापे इत्यादि पर ध्यान दीजिएगा, मोटापा इत्यादि जो है वो शुक्र बढ़ाने का काम करेंगे, तो प्लीज सावधान रहिएगा, इस बीच में चीजें अच्छी होंगी लेकिन भाग दौड़ लगी रहेगी तो सावधानी की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के लिए जब बात करेंगे, ये परिवर्तन बड़ा गजब का रहने वाला है आपके लिए, पंचम भाव में जाकर गोचर करेंगे शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश होकर के, यानी अगर मान लेते हैं
कि आप लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो परिवार वाले मानेंगे। प्रेमी प्रेमिका से प्रेम का इजहार किया जाए, शादी के लिए प्रस्ताव रखा जाए, तो निश्चित रूप से वो आपका प्रस्ताव एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, प्रस्ताव एक्सेप्ट करेंगे, मन में आपकी प्रसन्नता होगी, जो कार्य बिगड़ रहे थे वो कार्य बनेंगे, विदेश यात्रा इत्यादि का योग बनेगा, संतान से संबंधित शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे, बच्चे कुछ अच्छा करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। धनु राशि के लिए जब बात करते हैं, लाभेश शुक्र अगर फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे तो रुकी हुई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत परेशान है, तो प्रॉपर्टी आपकी बिकेगी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रुके हुए कार्य हैं वो भी आपके बनेंगे। वाहन इत्यादि आपके जीवन में वापस प्राप्ति का योग बनेगा। दिल से किसी को चाहते हैं तो उनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो एक अच्छा संयोग कहा जा सकता है। राहु के एक साथ होने के कारण थोड़ा असमंजस्य हो सकता है, लेकिन बेहतर है कुल मिलाकर के। मकर राशि के लिए बात करते हैं, दसवें थर्ड हाउस में राहु के साथ रहेंगे, बहुत सारी यात्राएं कार्य क्षेत्र को लेकर के होने वाली हैं और उन यात्राओं से आपको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी यात्राएं होंगी, इन यात्राओं से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा, कुछ असामंजस्य रहेगा, विद्या अध्ययन में अच्छे से मन लगेगा, संतान को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होगा, अगर पुरुष हैं तो कोई महिला, महिला हैं तो कोई पुरुष आए और आपको नए कार्य का ऑफर करें, उससे आपका जीवन में वृद्धि हो, इस प्रकार का संयोग है। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि के जातक जातिका, आपके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन 31 तारीख को कैसा रहेगा, आपके फोर्थ हाउस के स्वामी हैं और उसके साथ आपके राशि में नाइन्थ हाउस के स्वामी हैं, गोचर करने जाएंगे, आपके लिए सबसे एग्जॉल्टेड पोजिशन सेकेंड हाउस में लक्ष्मी जी की अपार कृपा होने वाली है, रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्त होगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, शेयर मार्केट से आपका लाभ होगा, शब्दों में मिठास उत्पन्न होगी, मन में प्रसन्नता उत्पन्न होगी, प्रदेशिक यात्राओं का संयोग बनेगा, लेकिन कुछ धोखेबाज लोग तैयार हैं, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, तो आपके साथ चीटिंग हो, धोखा हो, इस प्रकार का भी संयोग है, तो प्लीज थोड़ा सावधान रहिएगा। मीन राशि के लिए जब शुक्र के परिवर्तन की बात करते हैं, मीन में जो शुक्र का परिवर्तन होने वाला है, ये परिवर्तन आप ही की राशि में है तो आपके लिए सबसे शानदार रहेगा। रिश्तों को संभालने पर काम करेंगे आप, विवाह के लिए प्रस्ताव आएंगे इस समय पर, इस समय आए हुए प्रस्ताव क्लिक भी हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, तो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करेंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करेंगे, रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, आर्थिक लाभ देंगे, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि करेंगे। जिनके लिए ठीक नहीं है उनको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, शुक्रवार के दिन दुर्गा जी को लाल पुष्प अर्पण कर देना है, बस भगवान कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन बेहतर होगा। मैंने बताया रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, कोई भी कथा, रामचरितमानस की कथा, भागवत की कथा, शिवपुराण की कथा या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं, प्लीज हमें संपर्क कीजिए, आप भारत या विश्व के किसी भी कोने में हैं तो हम आपके यहाँ कार्यक्रम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री।